शुरू करते हैं अध्याय तीसरा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना और यह उसका दूसरा भाग है और इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं महालवारी बंदोबस्त मुनरो व्यवस्था जिसको रैतवर व्यवस्था भी कहा जाता है और एक मुद्दा है सब कुछ ठीक नहीं था यूरोप के लिए फसलें और क्या रंग का भी कोई इतिहास होता है इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे यहां एक नई व्यवस्था की शुरुआत की दिखाई देती है जो 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है क्योंकि इसके पहले जो स्थायी बंदोबस्त लागू की थी उसमें बहुत सारी खामियां नजर आ रही थी जिससे कंपनी को ऐसा सोचना पड़ रहा है और कंपनी जब कंपनी को शासन और व्यापार कि अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी क्योंकि स्थायी कर स्थायी बंदोबस्त कर में उनको कोई इनकम बढ़ नहीं रही थी जो पहले से शुरुआत में उन्होंने तय की थी उतनी ही उनको रकम जमींदारों से मिल रही थी लेकिन उनको अभी यहाँ सोचना पड़ रहा है कि किस तरह से इसमें और सुधार कर सकते हैं तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है इस इलाके में इस इलाके में हम देखेंगे जिसे वोल्ट मैकनजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जो 1822 में वोल्ट मैकनजी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम इलाके में और उसमें उन्होंने 1822 में इस माहवादी बंदोबस्त को लागू किया और मैकनजी का एक विश्वास था कि भारत उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसे बचा कर रखना जरूरी है और ऐसा होल्ट मैकेजिंग का कयास था और उसके ही आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया वो देखिए इसमें ये माहौलवारी बंदोबस्त लागू करने के पहले उन्होंने क्या किया पहला पहले उन्होंने कलेक्टरों ने गाँव गाँव का दौरा किया उन्होंने गाँव गाँव के जमीन की जाँच की जांच की मतलब वो खेती किस प्रकार की है मिट्टी किस प्रकार की है उसको पानी मिलता है नहीं मिलता वो जमीन या भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है इस तरह से उन्होंने उसको जांच की खेतों को उन्होंने नापा मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को भी उन्होंने दर्ज किया और गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से होने वाले राजस्व का हिसाब भी उन्होंने लगा दिया मतलब वो एवरेज में एवरेज में वो यहाँ राजस्व वसूल करने की कोशिश कर रहे थे और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था क्योंकि इसको बा समय समय पर बदलाव करने की उम्मीद की जा सकती थी और यहाँ से गांव से राजस्व वसूल करने का जो जिम्मा है वो कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा है गांव के मुखिया को सौंप दिया गया तो इस तरह से ये बंगालवारी पद्धति 1822 में होल्ट मेकन जी ने बंगाल प्रेसिडेंसी में जो आज के उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में स्थित है वहाँ उन्होंने लागू की तो इस तरह से ये हो गई महालवारी पद्धति जो अंग्रेजों ने अपना राजस्व बढ़ाने हेतु तो एक नई सुधारना की है यहाँ हम देखते हैं यह दूसरी व्यवस्था यहाँ है जिसको रायतवार व्यवस्था कहा जाता है तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाक इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्ती की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया दक्षिण भारतीय इलाके में जहाँ स्थाई बंदोबस्ती की जगह यह नई व्यवस्था थी जिसको हम मुंद व्यवस्था भी कहते हैं और इसकी जो शुरुआत है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी कैप्टन अलेजेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में से में इस व्यवस्था को आजमा भी देख लिया था मतलब यह व्यवस्था है टीपू सुल्तान के साथ चले जब युद्ध युद्ध चल रहे थे उसी वक्त उन्होंने ये शुरुआत की थी और टॉमस मुंडो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और दक्षिण भारत में इसे लागू किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर इसको और लागू कर दिया रीड और मुंडो को एक कयास था कि दक्षिण भारत में जिस तरह से परंपरागत जमींदार उत्तर भारत में थे उस तरह से परंपरागत जमींदार यहां नहीं थे और इसीलिए उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए मतलब सीधे किसानों से ही राजस्व वसूल करना चाहिए और राजस्व आकलन से पहले उनके खेती को सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए यह उनका मत था रीढ़ और मुंड्रो का और इसीलिए मुनरो और रीड ने वहां के खेती का सर्वेक्षण किया और तो सर्वेक्षण के अनुसार ही वहाँ राजस्व तय किया गया और मुनरो को यह भी लगता था कि मुनरो एक उदारवादी अधिकारी थे उनका मानना था कि अंग्रेजों को जनता को पिता की भांति मानना चाहिए पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए इस तरह के उनके मत थे यही है मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो जिन जो जिनका कार्यकाल है अट्ठारह उन्नीस से लेकर अट्ठारह सो जिन्होंने दक्षिण भारत में मुंड्रो व्यवस्था के नाम पर जो जो, जो व्यवस्था निर्माण की थी वो मुंड्रो मुंड्रो व्यवस्था के नाम से जानी जाती है अभी तक हमने देखे थे कि राजस्व वसूल करने के लिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था बाद में रतवारी व्यवस्था शुरू की थी उसके पहले उन्होंने महालवारी व्यवस्था शुरू की थी तो ये हो गए उनके अलग अलग प्रकार के राजस्व वसूल करने के तरीके जमीन से होने वाली जो आमदनी थी उनकी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था अभी इसका असर क्या हो गया सबसे बुरा असर किसानों पर हो गया वो राजस्व चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके आमदनी से भी ज़्यादा राजस्व उनको देना पड़ता था और इसीलिए किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया बहुत सारे किसान खेती छोड़कर बाहर कहीं चले गए और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए क्योंकि जब उनकी खेती ही नहीं थी या खेती करने से करने से उनको नुकसान हो रहा था तो वो लोग गाँव छोड़कर कहीं और चले गए लेकिन अफसर लोग अभी भी आशावादी थे और उनको उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ किसान को बर्बाद कर दिया इन व्यवस्थाओं ने इसका मतलब जो उन्होंने व्यवस्था शुरू की थी स्थायी बंदोबस्त हो या मोहलवारी व्यवस्था हो या रायतवारी व्यवस्था हो कोई भी व्यवस्था हो वो व्यवस्था किसानों के लिए दमनकारी व्यवस्था साबित हो गई दूसरी बात करते हैं यूरोप के लिए फसलें अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यहां यूरोप की जरूरत के हिसाब से फसलें भी उगाई जा सकती है और अट्ठारहवीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया अफीम और नील की खेती इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे पहले उन्होंने अफीम और नील के लिए दबाव डाला और बाद में 150 साल तक अंग्रेजों ने किसी न किसी फसल के लिए किसानों को कि उनके मर्जी से ही फसल लेनी चाहिए इस तरह से वो बर्ताव करने लगे इस तरह से वो निर्णय लेने लगे और इसीलिए उसका नतीजा ये हो गया कि भारत के अलग अलग इलाकों में विशिष्ट प्रकार के ही फसलें उग उगने लगी जिससे वो इलाका उस फसलों के लिए प्रसिद्ध होने लगेगा जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे बंगाल पटसन के लिए प्रसिद्ध होने लगा असम चाय के लिए संयुक्त प्रांत जो आज के उत्तर प्रदेश है गन्ने के लिए पंजाब गेहूँ के लिए महाराष्ट्र और पंजाब का पास और मद्रास चावल के लिए प्रसिद्ध होने लगे तो ये उन प्रदेशों की पहचान बन गई कि उनकी फसल उनके इलाके में फसल क्या होती है क्योंकि इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की उन्होंने मजबूर किसानों को मजबूर किया गया है कि वो किस तरह से फसलें लेंगे क्योंकि इससे यूरोपियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंपनी ये चीज़ें खरीदी करती थी और यही चीज़ें यूरोप के बाजार में भारी या ज्यादा भाव पर वो बेचती थी जिसको कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता था इसके पहले हमने जिक्र किए थे कि कंपनी ने अफीम और नील के लिए किसानों पर जबरदस्ती की थी कि उसी तरह के वो फसलें लेंगे तो हम यहां देखते हैं कि जो नील जो चीज है नील की हम बात कर रहे हैं तो नील एक प्रसिद्ध पौधा है जो कपड़ों की रंगाई के लिए उस जमाने में इस्तेमाल किया जाता था तो ये थोड़ा हम कलर का भी थोड़ा सा परिचय करते हैं कि यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्या रंग का भी कोई इतिहास होता है जी चित्र पाँच है और चित्र छ है मतलब मान लीजिए ये ए और बी तो ये ए चित्र है और ये बी चित्र है और यह ए चित्र है जो है भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छाप है ये और दूसरा चित्र है ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे है अगर हम इन दोनों के इसमें अगर कंपेरिजन करेंगे तो गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है दोनों इसमें नीला रंग नील नाम के पौधे से निकाला जाता था उस जमाने में यह जो नीला रंग है नील नील पौधे से निकाला गया है लेकिन ये कलर कुछ बेजन नज़र आ रहा है इसकी तुलना में ये कलर बेजन और इसीलिए भारतीय देश में जो नील का उत्पादन होता था उसकी ज़्यादा मांग होती थी उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक देश था इन छापों में जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था और इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मारिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा ऐसा कयास हम कह सकते हैं क्योंकि उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था तो दोस्तों इसी के साथ हम यही रुकते हैं और अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे